नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लाल सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं नवजीवन क्लासेस। और आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है सब शक्ति। तो आप इस शब्द को जानकर ये समझ ही गए होंगे कि सब शक्ति क्या है और इसकी जो परिभाषा है वो इस शब्द के अंदर ही है सब शक्ति। तो सर्वप्रथम इस सब शक्ति के बारे में जानेंगे, इसकी क्या परिभाषा है और उसके बाद में हमें इसके भेद और इसके क्या क्या उदाहरण मिलते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम बात इसी में सब शक्ति पर करते हैं। तो सब शक्ति की परिभाषा यह होती है कि वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों का अर्थ निकालते हैं हम अपने शक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा जिस शब्दों को हम अपने अर्थ में निकाल लेते हैं उन्हें सब शक्ति कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अपनी बुद्धि द्वारा अर्थ निकाल लेना ही शब्द शक्ति कहलाता है। तो दोस्तों ये थी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को अपनी बुद्धि द्वारा अर्थ निकाल लेना ही सब शक्ति कहलाता है। और अब इसके तीन भेद होते हैं, मुख्य रूप से इसके तीन भेद होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे भेद होते हैं लेकिन मुख्य तरीके से बात करें तो इसके तीन ही भेद होते हैं। सर्वप्रथम जो होता है उसको प्रथमवाचक भी बोलते हैं या फिर अभिधा भी बोल सकते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। और दूसरा होता है लक्षण शब्द शक्ति भी कहते हैं या फिर लक्षण भी कह सकते हो आप। और तीसरा जो होता है वो है व्यंजना। तो अब हम सर्वप्रथम तो अभिधा शब्द शक्ति की बात करेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति क्या है। तो दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति है, इसका परिभाषा यह होती है, देखते रहिए आप, अभी मैं आपको बताता हूं कि अभिधा शब्द शक्ति जिन वाक्यों का अर्थ हमें शब्दों को देख ही पता चल जाता है, पता चल जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं कि जिन जो वाक्य होते हैं उन वाक्य में हम सरलता से सीधा ही उसका स्पष्ट अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे वो सामने है उसको हम पढ़ते हैं वैसे हमारे उसका जो वो परिलक्षित हमारे सामने हो जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो इसको हम देखते हैं पहचान लेते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, राम कोई अन्य कोई चीज नहीं पढ़ रहा, सीधे पुस्तक पढ़ रहा है तो हमें सीधा पता चल जाता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी इसमें के अंदर अभिधा शब्द शक्ति है। और जैसे हम और भी कई उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे मेरा नाम राकेश है तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति होगी क्योंकि हम इसे देख कर पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी शब्द शक्ति है इसके अंदर और ये बिल्कुल सरल सा है और हर कोई जो भी व्यक्ति से पढ़े उसके लिए अर्थ एक समान ही होगा, अन्य कोई ये लिए कि भी कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरी शब्द शक्ति है पहली हो गई अभिधा और अब हम दूसरी पर चर्चा करेंगे। तो दूसरी शब्द शक्ति का नाम आपको पता होगा लक्षण शब्द शक्ति। तो लक्षण शब्द शक्ति किसे कहते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समान होता है लेकिन उसका अर्थ अलग निकलता है
उसका अर्थ अलग तरीके से निकलता है। उसे लक्षण सबसेंटि कहते हैं, मतलब उस वाक्य का वो लक्षण बताती है। हम जिस प्रकार उदाहरण भी ले सकते हैं, तो उदाहरण क्या लेंगे कि वाक्य प्रयुक्त शब्दों का अर्थ, वाक्य तो बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन उसका अर्थ अलग प्रकार से लिया जाएगा। उस वाक्य को देखेंगे तो उसका अर्थ सीधा स्पष्ट नहीं निकलेगा, उसके अंदर हम लक्षण ढूंढेंगे, शब्द में ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्या बोल रहा है ये वाक्य। जैसे रामू तो गाय है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रामू सचमुच गाय है, इसका मतलब यह होता है कि रामू बहुत सहनशील है और बहुत ही उच्च विचारों वाला है और बहुत ही मतलब कि इतना ज्यादा कोई कठिन वाला आदमी नहीं है और बहुत ही ज्यादा ऊंचे विचार वाला और बिगड़े व्यक्ति नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध सा आदमी है। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ी भाषा में बोले तो वो बहुत ही वापड़ो शुद्ध आदमी है, सब पाई उतरी उतार को नहीं। ठीक है दोस्तों, ये आता है लक्षण सबशक्ति के अंदर, लक्षण सबशक्ति के अंदर आता है ये। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे लक्षण सबशक्ति के कुछ भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं लक्षण सबशक्ति के। कौन से भेद होते हैं? पहली जो लक्षण सबशक्ति होती है वो होती है रूढ़ी रूढ़ी और दूसरी होती है प्रयोजनवती। ये तो सिंपल से आपको मैं सीधा समझा देता हूं बिना लिखे हुए कि जो रूढ़ी लक्षण सबशक्ति है उसके अंदर किसी पुरानी परंपराओं के आधार पर वाक्य लिखा जाता है और उसका अर्थ निकाला जाता है। रूढ़ी लक्षण सबशक्ति के अंदर जैसे कलिंग साहसी है, इसके अंदर परंपरा का जो शब्द लिया जाता है कलिंग साहसी है, तो इसके अंदर कलिंग कौन व्यक्ति थोड़ी है, कलिंग एक क्षेत्र का नाम है, भूभाग का क्षेत्र है और कलिंग किस लोक साहसी है, इसलिए ये रूढ़ी लक्षण सबशक्ति हुई। और ये जो प्रयोजनवती है, किसी प्रयोजन के पीछे उसका जो अर्थ निकाला जाता है उसे प्रयोजनवती लक्षण कहा जाता है। जैसे गंगा पर घर है, इसके पीछे प्रयोजन बनता है, गंगा पर घर है तो इसका मतलब यह थोड़ी कि गंगा के ऊपर घर बनाया हुआ है, इसका अर्थ यह होता है कि गंगा के किनारे तट के ऊपर घर है, तो इस ये होती है प्रयोजनवती लक्षण सबशक्ति। ठीक है दोस्तों, और अब जो आख्य में जो एक सबशक्ति बचती है उसका नाम है व्यंजना सबशक्ति, तो हम उसके बारे में एक विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो व्यंजना सबशक्ति क्या है, तो उसकी हम परिभाषा सिंपली रूप से जान लेते कि वाक्य तो एक सिंपल सा ही होता है लेकिन उसका अर्थ हर लोग अलग अलग प्रकार से निकालते हैं। जैसे पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ लोग अपने हिसाब के द्वारा लगाते हैं, हिसाब के द्वारा लगाते हैं। उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसके आप उदाहरण बताइए साहब, तो इसके उदाहरण होते हैं जैसे वाक्य में जो वाक्य होता है उस वाक्य का अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न तरीके से लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लो एक व्यक्ति बोलता है कि शाम के 6 बज गए हैं, 6 बज गए हैं, तो इसका हर लोग अलग अलग अर्थ निकालेगा। कोई बोलेगा कि मेरे गाय दूहने का समय हो गया है, कोई बोलेगा कि मेरे बाड़े से गाय लाने का समय हो गया है, और कोई और किसी व्यक्ति अगर नाई ड्यूटी है कहीं बैंक के बाहर या किसी अन्य तरह पर तो जाए सोचेगा मेरी ड्यूटी का समय हो गया। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने अलग अलग प्रकार से इसके अर्थ निकालता है, तो इसका ये जो होता है कि शाम के 6 बज गए हैं वाक्य सेम है लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि व्यंजना सबशक्ति क्या है, लक्षणा सबशक्ति क्या है और अभिधा सबशक्ति क्या है। मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूं कि अभिधा सबशक्ति क्या है, लक्षणा सबशक्ति क्या है, व्यंजना सबशक्ति क्या है। अभिधा सबशक्ति वो है जिसके अंदर वाक्य होता है उसका समान अर्थ होता है, सभी के लिए एक समान अर्थ होता है और सभी लोग उसे पढ़ते समझ आते कि ये क्या है, हैं? उसके लिए हमें कोई अन्य दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। और जो लक्षणा सबशक्ति होती है उसके अंदर जो वाक्य दिया होता है
उस वाक्य को लोग पढ़ते हैं और उसका कुछ लक्षण पता लगाते हैं। जैसे रामुद गोरा गोया मैंने आपको उदाहरण दिया था, उसका लक्षण पता लगाते हैं। जैसे रमेश तो शेर है, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि रमेश वास्तव में शेर है। इसका अर्थ यह होता है कि रमेश है वो बहुत ही उच्च विचार वाला और बहुत ही साहसी व्यक्ति है। इस प्रकार से हम पता लगा लेते हैं कि वो एक जो रमेश है वो एक शेर है, ठीक है। और जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसके अंदर हमने ये उदाहरण के छह या विश्व के क्या होते हैं, तो लोगों के लिए अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।